अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फयाज। मोहम्मद फयाज, कैसा लगा आपको ओरिएंट एंटरटेनर? यार, ये ओरिएंट मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ है और घर में एक टू इन वन हो जाएगा ये तो। कैसा फीडबैक और क्या क्या ऐडअप होना चाहिए इसमें? इसके अंदर मुझे इसकी जो स्क्रीन है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका बड़ा होना चाहिए ताकि जो दूर से भी देख सकें, जिसकी नज़र भी है वो भी देख सकें। एप्लीकेशन और कौन कौन सी होनी चाहिए इसमें? टीवी है, मूवी है, मूवीज हैं, म्यूजिक आप सुन सकते हो। ब्लूटूथ तो आपने रखी नहीं हुई, वो होना जरूरी है क्योंकि ब्लूटूथ होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है, इसमें इस तरह की चीज़ें होना जरूरी है। और इसके साथ एक कीबोर्ड जो है ना, कीबोर्ड का अटैच होना भी बहुत जरूरी है। डायरेक्टली यूएसबी के साथ पता है, डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ। अच्छा, हमने मूवी डाउनलोड की, मूवी डाउनलोड करके आप इसके साथ डायरेक्टली चला सकते हो मूवी। ये देखें, आप इस तरफ आएँ, ठीक है, मूवी आपने डाउनलोड की, इसके अंदर मूवीज में आप आए, ठीक है, आपने प्ले किया इसको, डायरेक्टली मूवी यहाँ से प्ले हो जाएगी। आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बिल्ट इन जो है मेमोरी है, ठीक है, एलईडी है, ठीक है, उसके बाद यूएसबी डायरेक्टली है, स्पीकर इसके अपने हैं, आपको स्पीकर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है परचेज। एक्चुअली इसका जो मुझे जो सबसे बड़ा फॉल्ट लगा ना, इसका साइज़ पे है, इसके साइज़ जो है ना, इसका साइज़ का बड़ा होना जरूरी, इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए क्योंकि ओवरऑल कैसा लगा है इसका? नहीं, ओवरऑल तो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। मैं पहले देखा कभी ऐसा रेफ्रिजरेटर दुनिया में? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, कम अज कम आपने कभी सुना हो किसी से? नहीं, आपसे ही सुन रहा हूँ। ग्रेट हो गया, थैंक यू वेरी मच।